हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल वैशाली कैंपस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेलवे एएलपी परीक्षा के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ओबीसी, एसटी और एससी कैंडिडेट और जनरल का भी कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, और या एक्स सर्विसमैन है उनके लिए भी कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ऊपर पूरा डिटेल्स बात करेंगे और किस फॉर्मेट में चाहिए। तो इस पर पूरा डिटेल्स बात करेंगे। आप लोग बताइएगा कि इतने पहले क्यों, तो आपको बता दूं कि कुछ डॉक्यूमेंट जो होती है कुछ बनाने में कुछ टाइम लग जाती है, इसीलिए मैं सोचा कि इसको 2 से 3 महीने पहले आपको बता दूं, जिससे आप लोग पहले से प्रिपेयर करके रखिए। तो चलिए हम एक एक करके सभी को देखते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड बटन क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस किस फॉर्मेट में चाहिए, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। पहला रहेगा मेरा क्वेश्चन, आपका किस कितना पुराना कास्ट सर्टिफिकेट मांगता है, तो इस पर भी बात करेंगे। किस फॉर्मेट में चाहिए ये भी बात करेंगे। नेम, फादर्स नेम या डेट ऑफ बर्थ अप्लाई करते समय में गलत हो गया है, जिसके मान के चलिए किसी का मिस प्रिंट हो गया है, मतलब स्पेलिंग हो गया है मिस, तो उसके लिए क्या करना होगा, तो ऊपर डिटेल्स बात करेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके आपको पूरा नोटिस दिखाते हैं रेलवे का। चलिए दोस्तों, मैंने रेलवे का नोटिस ओपन कर लिया हूँ। तो दोस्तों, आपसे बताता हूँ कि आप इसको एक एक पूरा शुरू से लास्ट तक देख लीजिए वीडियो को, कि आपको आगे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। मैं इस पर सारे पॉइंट, रेलवे ने जो भी कंडीशन दिया है, मैं सारे पॉइंट को क्लियर कर दूंगा। तो चलिए आप लोग शुरू से देखिए एक एक पॉइंट को, जो आपको आगे दिक्कत नहीं हो, नहीं तो आगे बहुत परेशानी हो सकती है। डॉक्यूमेंट्स में जानते हैं, अगर आप वहाँ से अगर छाँटते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। तो चलिए हम पहला ही देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है 60.60 में, आप लोग खुद भी देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कौन कौन सी हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि इसमें आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, मैं इसको हिंदी में आपको करके समझा देता हूं क्योंकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। तो सभी भी जो भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसका 2 कॉपी फोटो सेट चाहिए, और जो भी डेट दिया जाएगा उससे पहले आपको मतलब इस वेबसाइट पे अपलोड करनी पड़ेगी। तो वो डेट हम आपको बता देंगे, जब भी डेट इशू होगी मतलब डेट आएगा तो उससे पहले हम आपको लोगों को बता दिया जाएगा। तो और सभी ओरिजिनल कॉपी का स्कैनिंग करा के इस वेबसाइट पे अपलोड करनी पड़ेगी। जो भी डॉक्यूमेंट हो उसका मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने पड़ेंगे, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, जातीय आवासीय, जो भी आपको बनवाने पड़ेंगे वो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में ही होनी चाहिए, उसके अलावा कोई लैंग्वेज नहीं चलेगी। तो आप लोग इंग्लिश और हिंदी के ही फॉर्मेट में तैयार कीजिएगा। अब किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, नीचे हम आपको फॉर्मेट भी बताएंगे कि किस टाइप की फॉर्मेट होती है, पूरा फॉर्मेट भी आपको दिखाएंगे। अब दूसरा इसमें पॉइंट कह रहा है, अगर आपको जो टाइम दिया जाएगा, मान के चलिए आज का टाइम है आपका डॉक्यूमेंट सबमिट करने का, अगर आपका अवेलेबल नहीं है, आपका अवेलेबल नहीं है तो आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। मतलब उस दिन के बाद आप सोचिएगा कि आपको 5 दिन चाहे 10 दिन मतलब टाइम लेके सबमिट कर देंगे, तो कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा, आप वहां से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएंगे। तो चलिए हम एक एक करके डॉक्यूमेंट देखते हैं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। पहला है 60.1 में दिया हुआ है, जो मैट्रिक है या हाई स्कूल है सर्टिफिकेट चाहिए, उसकी इसके लिए डेट ऑफ बर्थ मैच करने के लिए, उसके बाद फादर्स नेम, आपका नेम और मदर्स नेम का जो भी स्पेलिंग है सब इसी से मैच किया जाएगा, मतलब 10th के हाई स्कूल के डॉक्यूमेंट से मैच किया जाएगा। तो चलिए दूसरा जो है 60.2, 10+2 मतलब 12th इंटर लेवल और उसका हायर सेकेंडरी और पी यू सी है जो साउथ इंडिया में है, कर्नाटका में है, जो 10+2 को PUC बोलते हैं, तो उनके लिए है, तो इस ये भी चाहिए आपको। उसके बाद NCVT मतलब जो डिप्लोमा किए हुए हैं NCVT, उसके बाद डिप्लोमा इंजीनियरिंग डिग्री की सेमेस्टर वाइज मार्कशीट, मतलब आपको सेमेस्टर वाइज मार्कशीट चाहिए इंजीनियर या डिप्लोमा या BTEC किए हुए हैं तब। उसका देखिए 60.4 में बोला है SC ST कैंडिडेट, मतलब SC ST कैंडिडेट के लिए सर्टिफिकेट चाहिए। तीसरा 5 में देखिए OBC, मतलब OBC सर्टिफिकेट चाहिए। 6 में आपको बता रहा है
और कौन सी फॉर्मेट में चाहिए, से ये हम फॉर्मेट के आगे बात करेंगे। ये फॉर्मेट आपको हम दिखाएंगे, उसी फॉर्मेट में आपको तैयार करवाना है, जो आपको जहाँ से भी तैयार करेगा, जैसे ब्लॉक से तैयार करवाइएगा तो वहाँ भी मिल जाएगी इस फॉर्मेट, अगर नहीं मिले आपको मिल जाएगी वहाँ पर, ये सब अवेलेबल रहती है, तो उसी फॉर्मेट में आपको तैयार करवाना पड़ेगा। उसके बाद 60.6 में बात करते हैं, नन क्लेमियर कैंडिडेट जो है ओबीसी को घोषित कर दिया गया है, उस इसको इस फॉर्मेट में चाहिए। 7 में बता रहा हूँ, इसमें इनकम सर्टिफिकेट, जब आप फॉर्म भरते समय आपने फी में कमी होने के, मतलब कि उसको जिसका इनकम कम था, इनकमिंग इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से मतलब थे, तो उनको फ़ी कम लगी थी 250 रुपये, तो वो सर्टिफिकेट चाहिए आपका कि आप इनकमिंग बैकग्राउंड मतलब सही है या नहीं, वो पूरा क्लियर आपको चाहिए। उसके बाद देखिए 8 में कह रहा है ओरिजिनल देखिए यहाँ पे, अब सॉरी 8 में हम अब बात करते हैं। देखिए आपको अब ओबीसी के बता दूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। ओबीसी का आपको डॉक्यूमेंट चाहिए 60.1, जो आपका डेट ऑफ बर्थ, ये तो सभी को चाहिए, मतलब कि जो 10th का है हाई स्कूल, 60.2 ये भी सभी को चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए ये भी, अगर डिप्लोमा किए हुए हैं तो 60.3 भी चाहिए। एसटीएसटी कैंडिडेट ये जनरल को नहीं चाहिए, और एसटीएसटी कैंडिडेट को चाहिए इसी सिर्फ। उसके बाद हम बता दें ये ओबीसी को चाहिए, जनरल को ही नहीं चाहिए, सिर्फ 60.5 जो है ओबीसी को चाहिए, जनरल को नहीं चाहिए, क्या है कि वो ओबीसी की सर्टिफिकेट है। उसके बाद कहें नन क्लेमियर कैंडिडेट को लिए ये चाहिए, तो ये जनरल को नहीं चाहिए जो नन क्लेमियर कैंडिडेट है। इनकम सर्टिफिकेट जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हैं उनके लिए सर्टिफिकेट है, जनरली सबको, जनरल में भी अगर जो अप्लाई करके नहीं भरे हैं उनको लिए नहीं चाहिए। आधार कार्ड ये सभी को चाहिए, ओरिजिनल, उसके बाद ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मतलब एक सर्विसमैन है उसको 66.8 चाहिए। अब बात करते हैं आगे, मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर डिसेबिलिटी कैंडिडेट को चाहिए सिर्फ ये, उसके बाद जो भी सही है उनके लिए नहीं चाहिए। एनओसी चाहिए जो एक्स सर्विसमैन है उसके लिए, मिलिट्री कैंडिडेट है जूडीसी वो चाहिए मिलिट्री वाले के लिए। उसके बाद रिसिप्ट है, रिसिप्ट देखिए जो ऑनलाइन पेमेंट किए उनको ये नहीं चाहिए, जो SBI चालान द्वारा या पोस्ट ऑफिस के से पेमेंट किए हैं उनको ये चाहिए। सेल्फ सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट ट्रांजिस्टर कैंडिडेट जो है उसे, अगर जम्मू कश्मीर के उनके लिए डोसमा चाहिए, और सबके लिए नहीं चाहिए। उसके बाद आप बता दूं, उसके बाद DOC उनके लिए चाहिए, डेट बीडो उनके लिए सर्टिफिकेट चाहिए। तो आप लोग देख लीजिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप लोग अप्लाई कर लीजिए। अगर दोस्तों आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो पहले से अप्लाई कर लीजिए, कि क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट है जो बहुत टाइम लग जाती है बनवाने में। अब आपको बता दूं कि आपका कितना पुराना कास्ट सर्टिफिकेट मांगता है, तो ये दोस्तों आपको 1 ईयर पुराना मांगता है, उससे ज़्यादा पुराना नहीं होनी चाहिए। और कौन सी डेट से वो चेक करता है, जो आपका पुराना कास्ट मतलब सर्टिफिकेट होगा ना उस पर जो इशू का डेट दिया होगा, तो उसी डेट से आपको जोड़ा जाएगा कि 1 साल ये पुराना है या उससे ज़्यादा। और किस फॉर्मेट में चाहिए, स्टेट फॉर्मेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो आपका जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिए, मतलब स्टेट का नहीं चाहिए। उसका नेम, फादर नेम या डेट ऑफ बर्थ में गलत हो गया है तो फॉर्म आप क्या करें, तो इसके लिए आपको एफिडेविट बनवानी पड़ेगी, कोर्ट से बन जाएगी, तो उसके लिए आपको अगर कोई भी स्पेलिंग गलत है तो उसके लिए आप यहां से बनवा सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया, अगर कोई भी डाउट हो जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, या आप मेल भी करके मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन में मेल एड्रेस दे दूंगा, वहां से आप लोग मेल कर सकते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट अपडेट में आपसे फिर मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।